निखत सिंह भाटी देश के वीर जवान 2010 में भारतीय सेना का हिस्सा बने। 14 साल की सेवा के बाद हाल ही में उन्हें अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया था। अब उनकी शादीशुदा जिंदगी, सपने और 10 दिन बाद घर आने की उम्मीद, सब कुछ एक सपना सा लगता है। एक दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रियंका से फोन पर बात की, अपनी छोटी बेटी वर्षा से घर लौटने का वादा किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन का सूरज उगा पर चमक हर रोज जैसी नहीं थी। खबर आई कि देश का एक वीर जवान शहीद हो चुका है। निखत सिंह बाड़मेर के रहने वाले हैं। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। उनके शहादत की खबर सुनकर पूरा देश शोक में डूब गया। जाबाज निखत सिंह का अंतिम काफिला जालीपा से निकलकर हरसानी पहुंचा। हरसानी निखत सिंह भाटी का पैतृक गांव है। वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांव के लोगों ने शहीद निखत सिंह के जयकारे लगाए। सड़क के दोनों ओर खड़े होकर लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकलिटी ने शहीद निखत सिंह के भाई से खास बातचीत की। उन्होंने वीर जवान को याद करते हुए क्या क्या बताया, सुनिए। दुखों का तो पहाड़ ही टूटा, लेकिन गर्व महसूस हुआ। परिवार का और इस गांव का एक बच्चा देश के काम आ गया। हम परिवार वाले सारे वहाँ थे। हमारे गांव में कृष्ण मंदिर है। जन्माष्टमी थी, दूसरे दिन हमारी ओर से प्रसादी थी। हम प्रसादी वितरण में व्यस्त थे। बाकी किसी के पास आया तो हमने फोन को सुना भी नहीं। वो किसी कारण से घर आ रहा, रास्ते में फोन आ गया तो चलिए कि हम सैनिक कार्यालय से बोल रहे हैं, आपके लिए बुरी खबर है, निखत सिंह जी इस प्रकार से। परिवार में क्या, पूरे गांव में जब बच्चे पढ़ते हैं ना, उन सभी को कह रहा खोज में, खोज की हमारे परिवार में काफ़ी खोज में। अभी मेरे दो बच्चे और खोज में अभी वर्तमान में है, अभी वो अब यहाँ पहुँचे भी नहीं है। और सभी में यही जोश और जुनून, बच्चे भी उसके पास में आकर्षित होते थे कि खोज में जाने के क्या रूल्स है, काकू हमें ये बताओ कि खोज में जाए तो क्या करें क्या नहीं करें, ये सारी चीज़ें बातें वो हमसे ज़्यादा बेहतर वो खोज की बताता था। गांव में शहीद को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और बिगुलर से मातमी धुन बजाई। आसमान में 21 राउंड फायर कर शहीद को सलामी दी गई। शहीद निखत सिंह भाटी की शहादत की खबर ने पूरे गांव को हिला दिया। उनके बेटे शौर्य ने उन्हें मुखाग्नि दी और उनके पार्थिव शरीर को लेकर देश भर के सीनियर अधिकारियों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। लोकल 18 के लिए बाड़मेर से मनमोहन सेजू की रिपोर्ट।